गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बेटे, 2A एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तीन ही सम में कंपेयर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटे कुछ सम मैं आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, आपने साइन पुट करना है। जो नंबर बड़ा है उसके आगे आपने साइन पुट करना है। ये देखिए, ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन होता है, ये बड़ी रकम के आगे लगता है। तो ये नंबर दिया है आपको, इस तरफ है 6749035 और इधर है 7694315। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काउंट कर लेने हैं, डिजिट। दोनों तरफ कितने डिजिट हैं, देखिए इसमें 2, 4, 6 और 7। इधर देखिए 2, 4, 6 और 8। देखिए इधर 7 डिजिट हैं, इधर 8 हैं। तो पता ही चल गया जो 8 डिजिट वाली संख्या है वो क्या होगी, हमारी बड़ी। तो इस तरफ हम साइन लगा देंगे। नेक्स्ट में देखिए, सबसे पहले डिजिट काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 6 और 1, 7। इसमें 2, 4, 6 और 1, 7, दोनों तरफ 7 7 डिजिट हैं। अब इनके डिजिट कंपेयर कीजिए। इधर फर्स्ट डिजिट 2, इधर भी क्या है 2, इधर है सेकेंड डिजिट 9 और इधर है 0। तो देखिए ये 29 है और ये 20 है। तो हमें पता ही चल रहा है कि 29 20 से क्या है, बड़ा है। तो साइन इस तरफ लग जाएगा। तो बेटे इसके जो सारे सम हैं वो आपने बुक पे ही करने हैं, नोटबुक पे नहीं करने। ये वाला पार्ट बेटे, ये देखिए, ये वाला पार्ट आपने बुक के ऊपर ही करना है, फिर नोटबुक पर नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि फर्स्ट छोटे क्रम से शुरू करके बड़े क्रम की ओर जाना। तो आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड है आपने इनके डिजिट काउंट कर लेने हैं कि हर नंबर में कितने डिजिट हैं। तो इसमें देखिए काउंट किए हैं हमने, 7 डिजिट हैं, इसमें भी 7 डिजिट, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 और लास्ट वाले में 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर सबसे बड़ा है। तो इसको सबसे एंड में राइट करेंगे। अब आते हैं जो 7 डिजिट हैं। 7 डिजिट में सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे 3 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 6 है और ये 6 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 2 वाली संख्या हम आगे लिख लेंगे, ये नंबर हो गया हमारा। उसके बाद ये संख्या देखिए 3, ये 7, ये 6 और ये 6, इनमें से छोटा क्या है 3। तो 3 वाला नंबर लिख लेंगे हम। उसके बाद ये नंबर भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचे दोनों नंबर, दोनों में ये क्या है 6 6 है, लेकिन इसमें आगे 4 है, ये 5 है। तो 64 65 से छोटा है। तो पहले हम 64 वाली संख्या लिख लेंगे, उसके बाद 65 वाली। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 7 वाला नंबर्स, 7 वाला राइट करेंगे और फिर उसके बाद 8 डिजिट वाली संख्या। तो इस पार्ट के जो बाकी के सम है बेटे, इस तरीके से ही आपने डिजिट काउंट करके अच्छे से फिर नोटबुक पर कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम से बड़ी रकम से छोटे नंबर की ओर जाना, यानी सबसे पहले आप बड़ा नंबर फिर उससे छोटा। इसमें भी आप सेम मेथड अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप डिजिट काउंट करोगे। इसमें 7 डिजिट हैं, इसमें 7, इसमें 7, इसमें भी 7 डिजिट, इसमें 6 और इसमें 7। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें 6 डिजिट हैं, तो ये नंबर एंड में राइट होगा। अब 7 डिजिट में देखिए, इसमें 2 है सबसे पहले, इसमें 1 है, इसमें 4, इसमें 1 और इसमें 6। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो ये नंबर आप सबसे पहले राइट करोगे। उसके बाद इससे छोटा नंबर क्या है, ये देखिए 4, 4 वाला नंबर राइट कर देंगे। उसके बाद उससे छोटा क्या है, 2 वाला नंबर, 2 वाला राइट कर दिया। और 1 वाले हमारे पास दो नंबर हैं, देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में 1 है, इसमें भी स्टार्टिंग में 1 है, लेकिन इसमें उसके बाद क्या है 5 और इसमें क्या है 2। तो हमारा 15 वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो पहले 15 वाला नंबर लिखेंगे, फिर हम 12 वाला, और सबसे छोटी संख्या हमारी 6 डिजिट वाली, क्योंकि 7 डिजिट 6 डिजिट से बड़ा नंबर होता है। तो 6 डिजिट वाली संख्या को हम एंड में लिख देंगे। तो बेटे इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के ये वाले जो दो पार्ट हैं, ये आपने फिर नोटबुक पर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।